कल हमने आद्य पुंकेसर, आद्य स्त्री कैंसर और फ्लावर की जो क्लासिकल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में पढ़ा। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो है लघु बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो पहले तो ये है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए कि पराग कोष के भीतर पराग कणों का निर्माण होता है, यही पराग कण लघु बीजाणु कहलाते हैं, चाहे इसे पराग कण कहो या लघु बीजाणु कहो। तो लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। डेफिनेशन, लघु बीजाणुओं के बनने की या निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु को इंग्लिश में माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब यह बनता किसमें है? पराग कोष में बनता है। तो पहले हमें पराग कोष के बारे में समझना होगा, उसके बाद में ये पराग कोष में कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पराग कोष पुतंतु पर लगा होता है और मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में पराग कोष कैसा होता है? द्विपालित होता है। ये एक पाली और एक ये दूसरी पाली, इस तरह से द्विपालित संरचना होती है जिसमें चार कोष्ठ होते हैं, चतुर्कोष्ठीय, एक दो तीन और चार। इन चारों कोष्ठों में चार लघु बीजाणु धनिया होती हैं जिसके भीतर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, पुनः रिपीट करता हूं कि पराग कोष एक द्विपालित और चतुर्कोष्ठ की रचना होती है, इसके चारों कोष्ठों में चार लघु बीजाणु धनिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जिसके भीतर लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है और ये जब परिपक्व होकर फट जाता है तब लघु बीजाणु बाहर आ जाते हैं। तो अभी हम विस्तार से समझेंगे कि इन लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है और पराग कोष की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो अभी हम एक प्रारूपिक पराग कोष, एंथर जिसको कहते हैं, उसकी संरचना अंदर से देखेंगे। पराग कोष, इंग्लिश में इसको कहते हैं एंथर। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये द्विपालित और चतुर्कोष्ठकीय रचना होती है। चलिए, अब इसकी जो सबसे बाहरी परत है ये, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिडर्मिस। फिर उसके भीतर की ओर एक और परत होती है, ये जो भीतर की परत है उसको कहते हैं अंतःस्थीसियम, अंतःस्थीसियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथीसियम। फिर इसके भीतर की ओर एक और परत होती है, इस परत को कहते हैं टेपिटम, हिंदी में इसको पोषक ऊतक कहते हैं, इंग्लिश में इसको टेपिटम कहते हैं। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर टेपिटम, और उसके भीतर हमारी लघु बीजाणु धनी होती है और उसमें फिर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये हमारी क्या है? लघु बीजाणु धनी, जिसके भीतर क्या बन रहे हैं? लघु बीजाणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर।
या पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर को हो या पोलन ग्रेन को हो, एक ही बात है ना, इसको फिर माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। तो यही के यही संरचना यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चारों जगह एक समान होती है। तो एक पराकोष की संरचना हम देखते हैं बाहर से अंदर की ओर। तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर टेपिटम, फिर लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया, और उसके भीतर लघु बीजाणु। ये तो केवल हमने पढ़ी है उसकी संरचना। अब हम एक एक परत का काम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। चलिए, तो पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सबसे बाहर बात करते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस सिंपल एक सुरक्षात्मक आवरण है, उसके भीतर जो परत है अब उसका काम इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अंतःस्थीसियम, इंग्लिश में कहते हैं एंडोथीसियम। यह अपेक्षाकृत स्तंभाकार और अपेक्षाकृत चौड़ी परत होती है इस तरह की, और इसकी एक विशेषता होती है कि इसकी भित्तियों पर अल्फा सेल्युलोज का जमाव होता है। अल्फा सेल्युलोज, और अल्फा सेल्युलोज एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, यानी वायु में जो आर्द्रता है उसको खींचने वाला, नमी को खींचने वाला है। यानी इस परत की भित्ति में जो सेल्युलोज है, अल्फा सेल्युलोज, वायु की नमी को सोख लेता है। अब जब ये वायु की नमी को सोखेगा तो ये फूल जाएगा, और ये जब फूलेगा तो बाहरी परत पर दबाव पड़ेगा, बाहरी परत फट जाएगी और ये लघु बीजाणु बाहर आ जाएंगे। यानी एक शब्द में कहें तो अंतःस्थीसियम का क्या काम है, यह पराग कोष के स्फुटन में सहायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये काम कब होता है, जब लघु बीजाणु पूरी तरह से बन जाए, परिपक्व हो जाए, तभी ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। और इसकी ये आर्द्रता ग्राही प्रकृति किसके कारण होती है, अल्फा सेल्युलोज के कारण, ठीक है। तो ये है अंतःस्थीसियम। चलिए, अब टेपेटम और अंतःस्थीसियम को पढ़ें, उससे पहले इसके बीच का ये जो भाग है वो कहलाती है मध्य परत। कहाँ होती है मध्य परत, अंतःस्थीसियम और टेपेटम के बीच में। इसकी कोई खास भूमिका नहीं है, इसमें कुछ स्टार्च और संचित भोज्य पदार्थ होते हैं जो अल्टीमेटली टेपिटम तक जाते हैं। अब हमें जो पढ़ना है खास है वो टेपिटम। टेपिटम ही वो कोशिकाओं की परत है जो पराग कणों या लघु बीजाणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे कार्य हैं, और परीक्षा में अक्सर इस पर बड़ा प्रश्न बनता है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक शब्द में कहें तो क्या होता है, टेपिटम में भोज्य पदार्थ होते हैं जो स्थानांतरित होते हैं लघु बीजाणुओं को, माइक्रोस्पोर को, पोलन ग्रेन को, जिससे वो परिपक्व होते हैं। चलिए, तो टेपिटम की भूमिका के बारे में हम पढ़ते हैं। टेपिटम तो टेपिटम की मान लो ये परत है, तो इसके भीतर विशेष प्रकार के कण होते हैं लिपिड के बने। इन कणों को कहते हैं प्रोयूबिशकाय, इंग्लिश में कहते हैं प्रोयूबिश बॉडीज। कहाँ होते हैं, टेपिटम की कोशिकाओं के अंदर प्रोयूबिश कण होते हैं। अब हम जानते हैं कि भाई कोशिका में एक तो कोशिका झिल्ली होती है, और बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति, इस तरह से। तो जब ये पराग कण परिपक्व हो जाते हैं, आगे पढ़ोगे इसकी चतुष्क अवस्था आती है, टेट्रेड, ऐसे तिकोना भाग दिखाई देता है, आगे पढ़ेंगे। जब इसकी ये अवस्था आती है, यानी ये परिपक्व हो जाते हैं, तब ये प्रोयूबिश कण कहाँ आ जाते हैं, ये टेपिटम कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से कोशिका झिल्ली
और कोशिका भित्ति के मध्य आ जाते हैं। अब इनके चारों ओर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का जमाव हो जाता है और उस पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और जब ये पराकण परिपक्व हो जाते हैं और पृथक हो जाते हैं सभी, तो ये जो कण हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये कण बाहर आ गए, अब इनका नाम बदल जाता है, इनका नाम हो जाता है अब युबिश काय। पहले प्रो युबिश था नाम, अब क्या नाम हो गया? युबिश काय। बस अब क्या होता है कि ये जितने भी युबिश कण हैं वो इसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। किसके चारों ओर? पराग कण के चारों ओर, यानी ये पराग कण की बाहरी भित्ति का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये पराग कण की बाहरी भित्ति का निर्माण करते हैं। और इसमें मुख्य रसायन कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। अब इम्पोर्टेंट काम स्पोरोपोलेनिन का, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। स्पोरोपोलेनिन जटिल कार्बोहाइड्रेट और कैरेटिनोइड और लिपिड का बना होता है। यह प्रकृति में अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर, जिस पर किसी भी प्रकार के रसायन का, तापमान का या पीएच का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी ये पराकण की बाहरी सतह को इतनी मजबूत बनाता है कि कुछ पराकण तो मिट्टी या हवा में सालों तक पड़े रहते हैं लेकिन फिर भी वो नष्ट नहीं होते, अंदर से उनका कंटेंट जीवित रहता है। कुछ 50-60 सालों तक जीवित रहे ऐसे पराकण भी मिले हैं, क्योंकि इनकी बाहरी परत इतनी मजबूत होती है। और वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन कहाँ से आया? टैपिटम की परत से आया। यानी टैपिटम का एक काम तो हो गया क्या? यह पराकण की बाह्य मजबूत भित्ति का निर्माण करता है। दूसरा कि वो तो मैंने कहा ही है कि यहाँ से पोषक पदार्थ कहाँ? पराकणों को स्थानांतरित होते हैं, तभी ये विभाजित होकर ये अवस्था आती है। पोषण का कार्य तो है ही, अभी विस्तार से समझेंगे जब हम टैपिटम के प्रकार समझेंगे। तो ध्यान रखना, ये प्रोयुबिश कण है। जब ये इसकी टैपिटम कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बीच में आ जाते हैं तब उसके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन जम जाता है, अब ये युबिश कण कहलाते हैं। और युबिश कण किसके चारों ओर? पराग कण के चारों ओर या लघु बीजाणु के चारों ओर जम जाते हैं और उसके बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ टैपिटम का केवल एक कार्य। इसके अलावा टैपिटम के क्या कार्य है? टैपिटम के द्वारा एक एंजाइम स्त्रावित होता है, कैलेज। वो कैलेज, ये पराग कण अभी बने जुड़े हुए हैं लेकिन इनको तोड़कर अलग करना जरूरी होता है, तो इन पराग कणों को पृथक करने का कार्य कैलेज एंजाइम के द्वारा होता है। और ये कैलेज एंजाइम भी इसी टैपिटम परत के द्वारा स्त्रावित होता है। इसके अलावा टैपिटम का एक और मुख्य कार्य, इसके द्वारा एक रसायन का स्त्रवण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। इसके द्वारा एक रसायन स्त्रावित होता है जिसका नाम है पोलन किट। ये परीक्षा में पूछा जाता है स्पोरोपोलेनिन और इसके बारे में पूछा जाता है, और एक इसका और नाम है ट्रीफाइन। पोलन किट या ट्रीफाइन भी लिपिड, कैरेटिनोइड और फ्लेविनोइड का बना एक रसायन होता है जो टैपिटम के द्वारा स्त्रावित होता है और पराग कण के चारों ओर जम जाता है। ये पराग कण की सतह को चिकना बनाता है, आकर्षक बनाता है, सुगंधित बनाता है। इससे क्या फायदा है? जब ये चिकने बन जाएंगे पराग कण तो आसानी से कीटों की सतह से चिपक जाएंगे, इनमें गंध होगी तो कीट इनकी तरफ आकर्षित होंगे और कहीं ना कहीं ये पराग कण की सतह को मजबूती भी प्रदान करता है। इसके अलावा इसका एक और कार्य, आगे आप पढ़ोगे कि इस पोलन किट में कुछ प्रोटीन होते हैं जो उसको कहते हैं कॉम्पेटिबल रिएक्शन। कोई पराग कण अपनी ही जाति के पौधे के वर्तिकाग्र जाप पर जाकर अंकुरित होता है तो वो वर्तिकाग्र और पराग कण
एक दूसरे को पहचानने की प्रक्रिया होती है, आगे पढ़ेंगे, तो पहचानने की प्रक्रिया में भी ये प्रोटीन काम आते हैं। तो पोलन कीट या ट्रिफाइन जो परागकण की सतह को चिकना और सुगंधित बनाता है, यानी कुल मिला के कीट परागण में सहायक होता है।